ये बताइएगा, इस समय प्रदेश में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आपके लिए क्या है? प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा आजकल के बच्चे बेरोजगार ज्यादा, अच्छा उन्हें नौकरी वगैरह नहीं मिल रही। अच्छा आपको सर क्या लगता है, आपके हिसाब से प्रमुख मुद्दा क्या है? प्रमुख मुद्दा महंगाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, अच्छा सर आपके हिसाब से? महंगाई और बेरोजगारी। अच्छा महंगाई और बेरोजगारी। ये बताइए सर, अपने प्रदेश में मेन मुद्दा क्या है? हमें तो इस समय पर हाँ सबके, हमने देख लिया, मुलायम सिंह का भी राज देख लिया, अखिलेश का भी देख लिया, मायावती देख लिया, इतना गुंडागर्दी रही इनके जमाने में कि कोई हम उसकी सीमा नहीं बता। तो आपका मेन मुद्दा क्या है? रात के जैसे ही मका खड़ी होती थी और रात के जैसे ही 8 बजते थे, सारी गोली इधर चल रही की गोली उधर चल रही, फलाने घर में आदमी घुस रहे, पर गुंडागर्दी होती। आज के इनके जमाने के, जब से शासन आया तब से कोई गुंडागर्दी गांव में कोई किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं। तो आप ये बताइए, आपका मेन मुद्दा यही है गुंडागर्दी? आपका मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, क्या है? महंगाई तो कौन रोक, ये सरकारों का रोग नहीं है, महंगाई से महंगाई भी बढ़ गया है, सरकार कोई ना रोक पाए महंगाई। जैसे इलेक्शन हो जाए सबसे बढ़िया है, मतलब शांति रहना चाहिए बस। अच्छा मेन मुद्दा है शांति में खुशहाली सब है, शांति नहीं है तो खुशहाली। ये बताइए भैया, अपने प्रदेश में मेन मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी, और दादा आप बताइए। आलू की तो खपत, पोल्यूशन खराब, और कुछ मुद्दे? महंगाई, डीजल, पेट्रोल, हाँ और डीजल।